आशीष गुड मॉर्निंग. और पहला सवाल भी हमें आ चुका है, मुंबई से एक दर्शक ने हमें भेजा है व्हाट्सएप पर ही. जया तीर्थ देश पांडे जी ने ओएनजीसी पर सवाल भेजा है. 100 शेयर्स हैं इनके पास, 229 की खरीद है. थोड़ी देर पहले हम ओएनजीसी के शेयर पर बात भी कर रहे थे कि कच्चे तेल में जो बढ़त हो रही है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ओएनजीसी. लंबे समय के लिए तो शेयर अच्छा है, इन्होंने समय मेंशन नहीं किया है. आशीष राय क्या होगी आपकी ओएनजीसी पर, अगर शॉर्ट से मीडियम टर्म की बात करें तो? शॉर्ट से मीडियम टर्म की बात करें प्रियंका, तो मैं ये मानता हूँ चार्ट की तरफ एक बहुत ही अच्छा पुल बैक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए हमने देखा है. ये स्टॉक करीबन 164 से लेके 180 के लेवल तक आ चुका है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन बन जाएगा, लेकिन इस करेक्शन से डरने की जरूरत नहीं है. इसमें बहुत ही अच्छा अंडर करंट दिखाई दे रहा है. हालांकि अभी हम एक रेजिस्टेंस के लेवल पे आके रुके हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस तोड़ते हुए हम देख पाएंगे ऐसे चार्ट के ऊपर रुझान है, तो होल्ड करने की सलाह होगी. चार्ट के ऊपर इसका पहला लक्ष्य करीबन 189 का निकल के आ रहा है और दूसरा लक्ष्य जो है वो करीबन 192 का है, तो होल्ड करने की सलाह होगी. एक स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, ये स्टॉप लॉस 175 का होगा और ये क्लोजिंग बेसिस पर लगाना होगा. ठीक है, 911 की इनकी खरीद थी, मुनाफा इनको हो रहा है, आज भी 2.5% मजबूत है ये शेयर. आशीष आपकी राय ल्यूपिन पर? डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि इसने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जुलाई महीने में जो टॉप बनाया था उसके ऊपर अभी हम ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि यहां से और एक खरीदारी करने का मौका भी यहां पे निकल के आ रहा है. एक छोटा सा रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है 970 का, तो 970 तो डेफिनेटली ये टेस्ट करने वाला है अगले 2 या 3 ही ट्रेडिंग सेशन में. लेकिन अगर 970 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो इसका लक्ष्य रहेगा करीबन 1025 का, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी और स्टिक स्टॉप लॉस इनको लगाना होगा करीबन 936 के लेवल. ऑलराइट, तो ये रहा आपको ल्यूपिन पे लक्ष्मी विलास बैंक में. आशीष यहाँ पर आ दीजिए, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? इन्होंने 100 रुपए के आसपास खरीदारी कर ली थी, आज बैंकिंग शेयरों में देखें हल्की तेजी भी बनी हुई है. लक्ष्मी विलास बैंक ये शेयर कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो चार्ट स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी एक होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि एक ही चीज है मैं होल्ड बोल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है. ये स्टॉक जब भी कभी करीबन 90 रुपए के करीब आता है तो वहां से एक अच्छा बाउंस बैक इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए हमने देखा है और अभी ये स्टॉक करीबन 94.7 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा. अगर ये स्टॉक 96 के ऊपर निकलता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा और उस केस में इसका पहला लक्ष्य करीबन 103-105 रुपए का हो सकता है, तो होल्ड करना चाहिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 90 रुपीज. ठीक है, होल्ड करके रखिए, हल्का नुकसान आपको कह रहे हैं. 8 से 10 साल का समय दे सकते हैं अशोक लेलैंड में, नंबर्स अच्छे आए थे, आज अशोक लेलैंड में तेजी भी है, 8 से 10 साल के लिए क्या व्यू देंगे आप? टेक्निकली अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं लंबे अवधि का, अगर हम चार्ट देख ले, मैं वीकली चार्ट और मंथली चार्ट दोनों कंपेयर करता हूं तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है. हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ ही चल रहा है, तो मैं मानता हूं कि अगर 10 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए. पहला लक्ष्य मैं मानता हूं इसका 165 का है, जैसे ये स्टॉक 165 के ऊपर निकलेगा ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक एंटर हो जाएगा और उसके बाद नए हाइज बनाने की ये डेफिनेटली कोशिश करता हुआ हम देख पाएंगे, तो होल्ड करने की सलाह होगी. एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लंबे अवधि का भी अगर मेरा नजरिया है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन में दूंगा और ये स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 119 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस. ओके, तो राय होगी आपकी अजमेरा रियल्टी पर? अजमेरा रियल्टी में एक बहुत ही बड़ा करेक्शन हमने देखा है, करीबन 360 से लेके ये स्टॉक 200 रुपए तक फिसला था और इतना फिसलने के बाद यहाँ पे एक पुलबैक रैली और कंसोलिडेशन दोनों होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है. ऐसे जैसे आपने कहा कि ये लंबे अवधि के निवेशक है तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह होगी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको लगाना होगा 195 के लेवल पे. 195 के नीचे फिसलता है तो ये सीधा 160 तक भी नीचे आ सकता है, तो उस केस में नुकसान बढ़ने की संभावना होगी, तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें. जैसे ये स्टॉक 235 के ऊपर निकलेगा एक फ्रेश ब्रेकआउट हो जाएगा और पहला लक्ष्य रहेगा 280 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा करीबन 310 का. ओके, इनको हो रहा है वेंकीज पर, अभी क्या करना चाहिए, बने रहे या एग्जिट कर ले वेंकीज से? इसमें ये जो स्टॉक है हमने देखा पिछले 4-5 महीने पहले 4800 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था और एक डीप ड्रास्टिक फॉल हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा, तो ऐसे ड्रास्टिक फॉल के बाद एक पुलबैक रैली आती है जो हमने देखी भी थी जिसमें 3400 तक गया था और वापस एक करेक्शन चालू हो गया है, लेकिन ये करेक्शन मैं मानता हूं 2650 तक नीचे जाने की संभावना है, वहां पे बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन है, तो 2650 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह दूंगा. वापस एक बाउंस बैक आता है तो डेफिनेटली 3000-3150 के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं. ओके, 8% कमजोर है ये शेयर, आपकी राय क्या होगी, मुनाफा जो हुआ है वो लेकर निकल जाए स्टॉक से?
नहीं मैं मानता हूं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, गिरने की संभावना थोड़ी कम है, तो कंसोलिडेशन में कुछ ट्रेड नहीं इनिशिएट करना चाहिए। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। एक स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा और वो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 207 रुपए का। जैसे ही स्टॉक 232 के ऊपर निकलेगा तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट मिलेगा और वापस ये स्टॉक 240 को छूते हुए हम देख पाएंगे, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टिक स्टॉप लॉस 207 का पहला लक्ष्य रहेगा, जैसे 232 के ऊपर निकलता है 240 और 245 के लक्ष्य होंगे। राय देंगे, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको इस शेयर के आगे के लिए? क्या तेजी बरकरार रहेगी? तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन वो तेजी इमीडिएटली चालू नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, साइडवेज ट्रेंड में है। साइडवेज ट्रेंड का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो तुरंत इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है। वैसे भी 2 साल का अवधि है तो अच्छी बात है इनके लिए। होल्ड करने की सलाह होगी, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 211 रुपए का। जैसे ही स्टॉक 260 के ऊपर निकलेगा वो अफ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा और पहला लक्ष्य रहेगा करीबन 320 का। ओके, तो 320 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आशीष, विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए भी बताइए, और जो अभी खरीदना चाह रहे हैं इस शेयर में उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? ओके, पहले लॉन्ग टर्म वालों के लिए सलाह होगी कि वो होल्ड करें, क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन है। एक ब्रेकआउट देने की कोशिश हो रही है लेकिन अभी तक ब्रेकआउट मिला नहीं है, तो लंबे अवधि के जो निवेशक है उनको बने रहने की सलाह होगी। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 300 रुपए पे लगाना होगा। जिनको इस स्टॉक को खरीदना है वो अभी खरीदने की जल्दबाजी ना करें। 335 के ऊपर अगर ये स्टॉक मिलता है तो मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट इसमें मिल जाएगा, तो 335 के ऊपर ये स्टॉक बहुत ही जोर से एक भागता हुआ हम देख पाएंगे। तो नया निवेशक को 335 के ऊपर बाय करें, जिनके पास अभी ये है होल्ड करें विद स्टॉप लॉस 300। ठीक है।